नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर इंडिया में। आज मैं आया हूं फिर से रोहिणी के सेक्टर 25 में और यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रांड न्यू 3 BHK बिल्डर फ्लोर, जो कि बना हुआ है 32 मीटर जोड़े के प्लॉट के ऊपर। मतलब 64 स्क्वायर मीटर का फ्लोर है, कुछ 80 गज के आसपास का ये फ्लोर बनता है, जिसमें बिल्डर ने लिफ्ट एंड पार्किंग के साथ 3 BHK निकाल रखा है विथ 2 वॉशरूम्स। अपर ग्राउंड फ्लोर की यूनिट ये हमारे पास अवेलेबल है, जिसका बिल्डर का प्राइस है 88 लाख रुपीज़, जो कि थोड़ा सा नेगोशिएबल है। और यहाँ पे आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा क्योंकि ये DDA के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है। ये जो हमारा फ्लोर लाई करता है, ये नॉर्थ फेसिंग का फ्लोर है, 12 मीटर रोड के ऊपर है। और ये जो पॉकेट है, काफ़ी अच्छी पॉकेट है, साफ पॉकेट है। यहाँ से अगर मैं मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मेट्रो रिठाला मेट्रो स्टेशन यहाँ से नियरेस्ट पड़ता है, जो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको वहाँ तक, मेट्रो तक जाने के लिए आपको ई रिक्शाज या फिर ऑटोज़ या कैब्स बहुत ईजिली मिल जाती हैं। और अगर बात करें डेली नीड्स के सामान की, तो इस सोसाइटी से आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी ग्रॉसरी स्टोर्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, पूरा मार्केट एरिया मिल जाएगा। इन ऑल ये पॉकेट और ये सेक्टर काफ़ी डेवलपिंग के अंदर आ चुका है आज की डेट में। यहाँ पे बहुत से लोग अपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या अपना घर रहने के लिए ले चुके हैं इन सेक्टर में। मतलब सेक्टर 22 से लेके आगे के जितने भी सेक्टर हैं, मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 BHK के ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। आपको कोई भी अगर फ्लोर यहाँ पे परचेज करना है या प्लॉट परचेज करना है, तो इधर ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके मैं इसे बात कर सकते हैं और यहाँ पे आके मेरे साथ विजिट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने फ्लोर के अंदर, आइए चलिए मेरे साथ। तो ये आ गए हमारे फ्लोर पे और इधर ये एलिवेटर्स हो गई। पूरे स्टेयर्स में हमारे पास ग्रेनाइट मार्बल है, छत तक हमारी टाइल लगी हुई है स्टेयर्स में। तो अब एंटर करते हैं अपने फ्लोर के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ आवर फ्लोर। ये देखिए 3 BHK। सबसे पहले मैं आपको इसको लेआउट बताता हूँ। इस वाले डोर से हमने एंटर किया था, इसके साथ में हमें कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, साथ में फर्स्ट बेडरूम है, सामने किचन, सेकंड बेडरूम के साथ में एक और अटैच वॉशरूम मिल जाता है, थर्ड बेडरूम इस साइड हो गया। और ये जो मैं खड़ा हूँ, ये हमारा ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया है। ये LCD पैनल का आप देख सकते हैं कितना ह्यूज LCD पैनल बनाया हुआ है। इस बिल्डर का जो काम है ना, बहुत प्रीमियम वर्क किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊँ तो स्विचेस भी जो लगाए हुए हैं, पॉलीकैब कंपनी के स्विचेस हैं इसके अंदर, बहुत प्रीमियम वर्क है। पीछे वॉलपेपर लगाया हुआ है और यहाँ पे ड्राइंग एरिया में इन्होंने एक ये शोकेस टाइप बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं इजिली, यहाँ पे स्टोरेज बना सकते हैं, नहीं तो ये पूरा सामने आप देख सकते हैं ग्लास वर्क किया है। इसकी वजह से ना इस लॉबी की थोड़ी सी ग्रैंडनेस आ रही है, थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है इस लॉबी का, देखिए। तो अब चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट बेडरूम में। उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसका फर्स्ट बाथरूम। देखिए बाथरूम में भी टाइलिंग कितनी अच्छी वर्क करी हुई है टाइलिंग की, और पूरे घर में जैगवार कंपनी की सैनिटरी है। किचन में, बाथरूम में, हर जगह जैगवार कंपनी का सैनिटरी का वर्क है। और इसके साथ में है ये हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो जैसा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कर्टन लगे हुए हैं और ऐसे ये पूरा एज इट इज मिलेगा आपको घर। ये हमारा बीच में बेड लगाने के लिए स्पेस है, यहाँ पे हमारे पास वैनिटीज हैं हमारी बेड के साथ में, ये LCD पैनल है। वापस अंदर चलते हैं, इसके साथ में ये फर्स्ट, ये हमारी किचन हो गई। किचन देखिए वाइट कलर का और ग्रे कलर का कितना अच्छा टोन दिया है। इधर रेफ्रिजरेटर रखने के लिए स्पेस है, इधर चिमनी लगने के लिए स्पेस है, पूरी मॉडुलर किचन्स हैं। सामने हमारे पास टैप्स मिल जाते हैं, जैगवार कंपनी के टैप्स हैं। फ्रंट में हमें UPVC की विंडोज मिलती हैं इसमें। और इसके साथ में हमारा सेकंड बेडरूम ये है, इसके बीच में 6 फुट की जगह है, यहाँ पे आप अपना बेड लगा सकते हैं। ऊपर भी स्टोरेज के लिए स्पेस दी हुई है, नीचे वैनिटीज बनाई हुई है। यहाँ पे हमारी बालकनी आ जाती है, UPVC विंडोज हैं और ये बालकनी है, यहाँ पे इसको वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। और इसके साथ में अटैच हमें सेकेंड वॉशरूम मिल जाता है। देखिए वॉशरूम का साइज़ यहाँ पे आप इसको ग्लास पार्टीशन करके अलग से कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कमोड आ जाएगा, सामने वॉश बेसिन आ जाएगा। काम में कलर कॉम्बिनेशन में ना इस बिल्डर ने बहुत अच्छा किया हुआ है। और ये देखते हैं इसका थर्ड बेडरूम। ये थर्ड बेडरूम है और इसमें पूरी फ्लोर टू सीलिंग, वॉल टू वॉल की हमें अलमीरा मिल जाती है, प्लस
हमें यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाता है जिसके पीछे भी स्पेस है, यहाँ पे भी इसमें स्पेस है। पूरे सारे कमरों में आपको, तीनों कमरों में और ड्राइंग रूम में आपको वॉलपेपर मिलता है। तो ये हमारा 64 स्क्वायर मीटर का ब्रांड न्यू अपर ग्राउंड फ्लोर, इसका बिल्डर का आस्किंग प्राइस है 88 लाख रुपीज़। अगर आपको ये फ्लोर परचेज करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कीजिए।